साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद में, जहां पे कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी चुनावी माहौल में चुनावी मुद्दों को लेकर मंडल वाइज कार्यक्रम कर रही हैं, तो कल उनका कार्यक्रम लगा इलाहाबाद में केपी ग्राउंड में हम उपस्थित हैं, जहाँ पर उनका कार्यक्रम इलाहाबाद में कल का है। आपको बता दें कि उनका मंच जो है वो लगा है, आप सामने देख सकते हैं। अभी मंच की तैयारी भी चल रही है। आपको उससे पहले इधर भी दिखा दे कि इस तरह से ये कुर्सियां भी लग चुकी हैं और इधर बैरिकेटर्स भी लग चुके हैं, इधर सारी कुर्सियां भी लग रही हैं। अभी ये पंडाल भी सज रहा है, सारे कार्यकर्ता लगे हैं। आपको बताने की कोशिश करें तो कार्यकर्ता इतने हैं कि अनगिनती हैं कार्यकर्ता, सैकड़ों के ऊपर कार्यकर्ता हैं यहाँ पे। और आपको हम नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से साउंड सिस्टम जो है पूरी तरह से लग चुका है और तैयारी भी चल रही है उधर। और जो भी सिस्टम है आपको हम बता दें कि जब मंच पे हम जाएंगे वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि बहन जी कहाँ पे खड़ी होकर भाषण देंगी और कैसे क्या होगा, आइए बात करते हैं। कल जहाँ बहन जी का प्लेन लैंड करेंगे, जहाँ पे उनकी प्लेन उतरेगी, आपको पता होना चाहिए कि वो जहाँ पे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ जो है हेलीपैड बनता है जहाँ पर उनकी प्लेन उतरती है। आपको दिखाने की कोशिश करें कि लगातार जिस तरह से ये उनके कर्मचारी लग चुके हैं हेलीपैड बनाने के लिए। आपको बताएं तो हेलीपैड अभी बन रहा है, पूरी तरह से तैयार नहीं है। और कल बहन जी यहाँ पे शिरकत करेंगी, यहाँ से उतरेंगी, इस हेलीपैड पर उतरेंगी और इधर से सीधा रास्ते से उस मंच पर जाएंगी। अब हम आपको मंच की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, आप देखते रहिए हेलीपैड किस तरह से निर्माण हो रहा है। सारे कार्यकर्ताओं को आप दिखाएं, हम वहाँ पर उपस्थित हैं जहाँ पे जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जब सीधा अपने कार से या फोर व्हीलर से आती हैं तो अपने प्राइवेट रूम पे जाती हैं, 10 मिनट यहाँ पे बैठती हैं, उसके बाद मंच पे जाती हैं। तो ये प्राइवेट रूम उनका रहा और ठीक से अभी तैयार नहीं हो पाया है, अभी तैयार हो रहा है। तो आइए हम मंच की ओर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं मंच से क्या कार्यक्रम कैसे चल रहा है। ये सीढ़ी से जाती हैं बहन जी, जब वो आती हैं तो उनके पीछे जो प्रशासन होती है चुस्त रहती है एकदम। चुके हैं सीधा सीधा बड़े मंच पर जहाँ से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी भाषण देंगी। आपको बता दें कि वो इस कोने से भाषण देंगी जहाँ पे उनका डेस्क लगेगा और उस कोने पे जो है उनके एंकर भाषण देंगे या कुछ एंकरिंग करेंगे, जिस तरह से हर एक मंच पे किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ से बहन जी भाषण देंगी और वहाँ से पूरी जनता सुनेगी। आप उधर दिखाइए, देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है, किस तरह से कितनी दूरी है, क्या है, साउंड सिस्टम भी लगा है उधर, इतने साउंड के हॉर्न जो होते उतने बंधे हैं, इधर क्रेन भी लगी है, जो भी है सारी चीज़ें लगी है बहन जी की रैली की तैयारी के लिए। और यहाँ पे जो है प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त रहती है, जिस तरह से पीएम मोदी की रैली में रहती है, पीएम मोदी के पीछे पीछे प्रशासन चलती है, उसी तरह से बहन जी के पीछे पीछे प्रशासन लगी रहती है।